दुपट्टा गीला हो गया। और अभी मैं हाइक पर चढ़ना चाह रहा हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है कि अम्ब्रेला पे उड़ गई है। बहुत अजीब लग रही है ये स्टॉलर। मेरा एक बहुत पहले का ब्लॉग है, मैंने अपने दोस्त के साथ बनाया था जब मैं उसके साथ ग्रॉसरी करने गई थी तब। Assalamualaikum और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और मेरी क्लास है 10 बजे। मैं जा रही थी तो एकदम हैवी स्नोफॉल हो रही है। रात को एकदम सारी बर्फ पिघल चुकी हुई थी जो पहले की पड़ी थी और अभी दोबारा बिछ गई है एकदम से प्रॉपरली। और अभी पता नहीं ये कैमरे में क्यों नज़र नहीं आती सही से, मगर अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। मुझे लगता है आप लोगों को ना मेरे काले दुपट्टे पर नज़र आएगी टाइम बाद। अभी मैं अंदर से आई हूँ ना, मेरे हाथ गर्म है, मुझे लगता है इसने पिघल जाना है मेरे हाथों में। इसका मैंने बॉल बना लिया का। अभी बस का वेट कर रही हूँ, 5 मिनट रह गए बस के आने में, तब तक मैं डोर लॉक करती हूँ और फिर निकलती हूँ यहाँ तक चलते जाती हूँ। स्नो में अब जाहिर सी बात है कि स्नो सारी पड़ गई है, अब इसमें मैं भागती हुई तो नहीं निकल सकती ना, तो चलती हुई जाती हूँ। तो बस दरवाज़ा लॉक करती हूँ और निकलती हूँ। दरवाज़ा वगैरह मैंने लॉक कर दिया और अभी मैं निकल आई हूँ यहाँ पे। और ये इतनी क्या खूबसूरत लग रही है ना स्नो पड़ी हुई इनके ऊपर। और अब यहाँ से चलते हुए मैंने जाना है, ध्यान से जाना है। अभी मैं फर्स्ट हूँ ना यहाँ पे चलने वाली, तो इसलिए जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ मेरे जूतों के निशान पड़ते जाएंगे। और यार दूसरे लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं ठीक है, और अगर आपको और कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन है तो उनको कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को वीडियो में आंसर कर दिया करूँगी। और अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है, बट मुझे पहले बस स्टॉप पे जाके खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जाहिर है अब इसमें भाग तो सकती नहीं है, वरना नॉर्मली स्नो ना हो तो मैं भागती ही पहुँच जाती हूँ। ज़्यादा हो रही हुई तो अभी मेरे पास अम्ब्रेला है, मैं वो निकाल लूँगी। इतनी ट्रैफिक होती है सड़क पे, इतनी ट्रैफिक होती है तो मुझे ये हो रहा होता है कि आप लोगों को वीडियो में खाली शोर की आवाज़ ना सुनाई दे रही हो। और ये पाँव के निशान इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना लगे हुए ज़मीन पे। थोड़ी सी हल्की हो गई है स्नोफॉल अभी, वरना जब मैंने खिड़की से देखी थी तो इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही थी ना, वरना आज मेरा दिल नहीं कर रहा सही जूते पहन के आने का। और कपड़े भी थोड़े ईजी पहनने का था, बट फिर इतनी तेज स्नो हो रही है तो आपको में जा रही है। अब मुझे समझ आई वो फर वाली टोपी क्यों पहनते हैं। ये देखिए वहाँ के लोग जा रहे हैं, जो आप लोगों को नजर आ रही होगी स्नो। अरे बहुत तेज स्नो हो रही है, मजाक के अलावा इतनी तेज स्नो हो रही है कि मेरा पूरा दुपट्टा गीला हो। अभी ना मैंने अपने सबसे मुश्किल कोर्स की पहली क्लास छोड़ दी है, जो कि पता नहीं मुझे पता ही नहीं चला रहा अलार्म बजा है नहीं बजा, अजीब ही चक्कर हुआ है। तो वो अब पता नहीं मुझे इतना अफसोस क्यों हो रहा उसका। इधर मैं लाइब्रेरी में आई हूँ और लाइब्रेरी में क्या बोलते हैं, इतने क्यूट क्यूट टॉयज पड़े हुए हैं, ब्रेड बनी हुई है, डोनट बना हुआ है, डोनट क्यूट है, क्यूट क्यूट चीज़ें पड़ी हुई हैं। सुबह आप लोगों को दिखा रही थी हर तरफ स्नो पड़ी हुई थी, यहाँ यहाँ हर तरफ, मतलब ये जगह नहीं दिखाई थी बट हर तरफ स्नो पड़ी हुई थी। और अभी मैं हाइक पर चढ़ना चाह रही हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि अम्ब्रेला पे उड़ गई है। यहाँ से चल के जाती हूँ, जब ये स्लिपरी होता है कीचड़ इसमें चलना नहीं चाहिए, मगर गुजर जाती हूँ फटाफट। उल्टी हो जा, हो जा, अम्ब्रेला भी अड़ गई है। मैंने शायद आप लोगों को ना ये पहले भी दिखाया हुआ, ये सामने प्रेयर रूम है तो ये वाला जो जगह है ना मुझे बैठने के लिए, ये टेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे थोड़ा सुकून होता है, मतलब पढ़ने के बाद क्लासेस ख़त्म होने के बाद अगर यहाँ से बैठना होता है ना तो इस साइड आके बैठ जाती हूँ। और यहाँ बैठ के सुबह मम्मा से वीडियो कॉल पर बात कर ली सब कुछ, यहाँ बैठ के ना मतलब बैठी होती हूँ, खा पी रही होती हूँ, वीडियो बनानी शुरू की तो लोगों ने चलना उछलना कूदना भागना शुरू कर दिया कि बस अभी भी मैं नमाज पढ़ के बैठी हूँ। पहले मैंने असर पढ़ी, फिर मैंने मगरब पढ़ी और क्लासेस ख़त्म होने के बाद। और इस स्केजुअल का ना एक अच्छी बात ये है कि नमाज़ें पढ़ी जाती हैं टाइम से, तो नमाज़ वगैरह पढ़ ली और भी कुछ काम करना है, कल के काम मिला हुआ है वो काम करना है और उसके बाद जाऊँगी। यहाँ मैं ऐसे दरवाज़ा खोलती हूँ, टांग मारी दरवाज़ा खुल गया,
अच्छा फिर मैंने ना आप सोचा है कि मैं मजीद नहीं पढ़ सकता, मतलब पढ़ नहीं सकती अभी क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब लगातार 8 घंटे क्लासेस देने के बाद, 6 घंटे क्लासेस देने के बाद किसका दिमाग काम करेगा। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैंने बस क्या बोलते हैं ये पानी भरने आई थी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए सारी स्नो थी सुबह, अभी सारी बारिश हो रही है इस टाइम बाहर, और मैं का पानी भरने आई हूँ। पानी मतलब इस तरह से भरते हैं, यहाँ पर ये दिखाती हूँ कैसे रखूँ इसके ना, यहाँ बॉटल रखी सेंसर के सामने। ओके डन। बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना है, वहाँ तक जाना था मैंने, उसके लिए मुझे अम्ब्रेला निकालनी पड़ी है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, जितनी बर्फ़ थी सुबह सब पक पिघल गई है। पानी बारिश की हालत देखें, अम्ब्रेला भी मैंने रखी हुई थी फिर भी क्या हालत हुई है, इतनी इतनी बारिश हो रही थी। अब मैंने कहा सोचा ब्रेड ले लेती हूँ, वीकेंड पर ऑमलेट वगैरह खाया जाएगा, और साथ में फ्रूट लेने की भी मैंने जहमत कर ली 2 बनाना, ऐसे ज़्यादा लूँ ना ख़राब हो जाते हैं, खाती नहीं हूँ। चीज़ भी ले लेती हूँ, ख़त्म होने वाली है भी रख ली है मैंने, पूरे 4 महीने में जाके मेरी ख़त्म हुई है, तो मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ, लेके आई हूँ और चीज़ें ले जा रही हूँ मैं छोटी छोटी। ये भी ले लेती हूँ $5 की, 3 पिछली बार लेके गई थी, तो अभी भी उसमें से एक पड़ी हुई है, सिर्फ 2 यूज़ हुई हैं, तो अभी स्टॉक कर लेती हूँ। क्या बोलते हैं स्नो पड़ने से पहले पहले मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जानी थी और वो थे रस, ये वाले रस ले लेती हूँ, यहाँ पे ये वाले रस हैं तो यही ले लेती हूँ, अच्छे होंगे भी। और नगेट्स ख़त्म हो गए हैं, बहुत अजीब लग रही है ये स्टॉलर, मेरा एक बहुत पहले का ब्लॉग है, मैंने अपने दोस्त के साथ बनाया था, जब मैं उसके साथ ग्रॉसरी करने गई थी तब भी ये यहाँ पड़ी थी और अभी भी यहाँ पड़ी हुई है, तो आई एम अ बिट स्केयर्ड। और ये वही सेम स्टॉलर है, वहाँ सारी दुआएं वगैरह पढ़ लो और निकलो। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ तो मैं सीधा से ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अजीब बात लगी है कि वही सेम स्टॉलर सेम जगह पे सेम डायरेक्शन में पड़ी हुई है। हाय कुछ तो गड़बड़ है, बस चलती हैं यहाँ से दुआएं वगैरह पढ़ लेती हूँ। ये दूसरा दिन है, कल ये यहाँ नहीं थी और आज ये वहाँ बर्फ में गिरी हुई है, आई डोंट नो ये क्या चक्कर है इसका। तो अभी बस मैं घर जा रही थी तो मुझे मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, बट मैंने मेरी दिन की नज़र पड़ी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये दिखाती जाती हूँ। सेम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है अभी, पता नहीं थोड़ी सी पिघल गई है सड़कों पे जो पड़ी थी सुबह, तो शदीद हो रही थी, तो ये देखें इतना भड़ा, ये मेरे हाथ से भी भड़ा है। तो मैं से तो घर वापस जा रही थी तो मैंने कहा ज़रा खेलती भी जाऊँ बर्फ़ से, इस साइड पर जाकर ज़रा खूब ज़्यादा खेलती हूँ। खेल ये तो इतना बड़ा है, बिल्ली के साइज का बहुत बड़ा। नई नई स्नो देखने को मिली है ना मुझे, तो इसीलिए ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा खेलने का। अच्छा जब स्नोफॉल हो रही थी ना तब सर्दी इतनी नहीं थी, ये डिफरेंट सी बात है। आ गई और घर के रास्ते में वाह आइस जमी हुई है, सुपर डेंजरस गुलाब जामुन बना के ये पीता, क्योंकि ज्यादा होगी ना प्रॉपरली पी लूंगी, कोई खेलने वाला भी होना चाहिए, मैं खुद ही खेल लूं। ये पड़ी हुई